सतगुरु रविदास की जयंती छाम पुजाण में धूमधाम से मनाएगी और शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर सतगुरु रविदास कमेटी प्रधान महेंद्र सिंह बंसल ने सतगुरु रविदास महाराज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे पर जोर दिया। सतगुरु रविदास की जयंती छामक भुजान में धूमधाम से मनाएगी और शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर सतगुरु रविदास कमेटी प्रधान महेंद्र सिंह बंसल ने सतगुरु रविदास महाराज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपनी रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि रविदास की अनूप महिमा ने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया तथा सामाजिक लोगों में सुधार के लिए रविदास ने कविता लेखनों के जरिए विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी दिए। इस अवसर पर अटूट भंडारे का आयोजन भी किया गया। दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी समस्त कमेटी हर साल के वर्ष भंडारे का आयोजन करती है और हर वर्ष हमारा संकल्प है कि ऐसे गुरु रविदास के उपदेश जो प्रेरणा है उसके बताए हुए रास्ते पे हम सारा समाज इकट्ठा होकर इस भंडारे का आयोजन इससे भी आगे बढ़कर और इसको इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं और आज भी हम इस उपलक्ष्य पर सभी स्थानीय निवासियों को सभी को भंडारे का आयोजन किया गया है। गुरु रविदास महाराज का झंडे का भी और पूजा अर्चना करके आज हमने सारे समाज ने इस उपलक्ष्य पर समस्त कमेटी ने इसका कार्यक्रम किया है और मैं अपनी कमेटी का और अपने समाज का अपने गांव निवासियों का तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा सभी गांव निवासियों ने सहयोग किया इस भंडारे में और मेरी कमेटी खासकर मेरी कमेटी के सदस्य सभी ने इसका भरपूर सहयोग किया है और मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी का धन्यवाद और सभी प्रदेशवासियों का अपने समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।